गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा सातवीं विषय हिंदी, सातवां पाठ है जहां चाहा वहां रहा। ये पाठ हमारा हो चुका है। इस तासिका में हमें देखना है कि कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता क्या है, वो सार्थक हुआ कि नहीं, ये हमें इस पाठ में देखना है। और उसी के साथ कहानी का सारांश तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे शब्दों में लिखना है। ये आपके लिए रो पार्ट है। तो कहानी का शीर्षक की जो सार्थकता है, हमने देखा है एक छोटा सा गांव रहता है संभाग, है ना। तो कहानी का जो शीर्षक है जहां चाह वहां रहा। कहानी का शीर्षक क्या है, जहां चाह वहां रहा। ये कहानी का शीर्षक है, वो सार्थक हुआ क्या नहीं हमें देखना है। अगर हमारे मन में कुछ करने की इच्छा, यदि कोई कार्य करने की इच्छा यदि हमारे मन में है, उत्साह है, शक्ति है, तो कोई भी कठिन कार्य हम पूरा कर सकते हैं। और इस कहानी में उसी प्रकार हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, अनुभवहीन रहते हैं। उनके पास कुछ अनुभव रहता है क्या? नहीं। साहित्यहीन, कोई भी फूल बनाने का साहित्य उनके पास नहीं रहता है, अनुभवहीन रहते हैं, साहित्यहीन रहते हैं। फिर भी उनके मन में क्या था, उनकी जिद्द थी, आत्मविश्वास था, और उसी आत्मविश्वास के भरोसे पे उन्होंने न होने वाला कार्य भी उन्होंने कर दिखाया। छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, कोई काम कर सकते थे क्या? नहीं। लेकिन उनमें जो लगन थी, काम करने की जो इच्छा थी, और उसी की वजह से उन्होंने हाथ में जो कार्य लिया था उसे क्या किया, संपन्न किया। बीच में एक नाला था, इसंबा गांव था, बीच में एक नाला था, एक तरफ बस्ती थी और दूसरी तरफ क्या था, स्कूल, और गांव के जो खेत थे वो दूसरी तरफ थे। जब बरसात के दिन आते थे तब उस नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, और उसी वजह से जो बच्चे हैं पाठशाला नहीं जा पाते थे, और इसी के लिए उनके पढ़ाई का नुकसान होता था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो किसी तरह जानवरों की सहायता से उस नाले को पार कर जाते, लेकिन बच्चे छोटे थे इसलिए वो नाले को पार नहीं कर सकते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार बरसात के दिन थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, और उन्होंने क्या किया, एक चौपाल में उन्होंने अपनी चर्चा का आरंभ शुरू किया, चर्चा आरंभ की, और उस चर्चा में उन्होंने एक निश्चय किया कि हमें क्या करना है, इस नाले के ऊपर से पुल बनाना है। उसकी जानकारी उनको अंतरजाल से प्राप्त हुई, इंटरनेट से उन्होंने पूरी जानकारी निकाली थी कि पुल किस प्रकार तैयार किया जा सकता है। और जब ये बात पूरे गांव में पता चली कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पुल बनाने वाले हैं, तो सभी गांव के लोग उन बच्चों की क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा भी की उन्होंने, और उनके साथ वो गांव के लोग और उनके जो शिक्षक थे वो भी जुड़ गए। बच्चों ने छोटे छोटे गट तैयार किए और सभी को अलग अलग प्रकार का काम दिया। पुल बनाने का जो साहित्य उन्हें खरीदी करना था, लेना था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 20-20 रुपए इकट्ठा करने चालू कर दिए। गांव में एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने भी प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत बड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी थी, और सभी के सहायता से, अकेला आदमी वो कार्य नहीं कर सकता था, गांव के लोगों ने भी उनको क्या किया, सहायता की, और उस सहायता की वजह से सिर्फ 15 दिनों में उन्होंने क्या कर दिया, पुल तैयार कर दिया। अब बरसात के दिन हो या कोई भी हो, अब पाठशाला जाने से बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो यहाँ पे ये सार्थक उन्होंने किया है कि यदि हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो, काम करने की इच्छा हो, तो कोई भी कठिन कार्य हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार इस कहानी का जो शीर्षक है जहां चाह वहां रह, ये यहाँ पर सार्थक हो गया है, बरोबर है। तो इस प्रकार कहानी का जो शीर्षक है जहां चाह वहां रह,
ये सार्थक हो गया है। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैंने तो अभी आपको बता दिया, लेकिन आपको अपने शब्दों में इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता लिखना है और उसी प्रकार कहानी का सारांश, जो कहानी का सारांश है, सारांश में क्या लिखोगे तुम, जिस प्रकार पाठ में दिया गया है, एक एसम्बा गांव रहता है, एक छोटा सा एसम्बा नाम का गांव रहता है, बीच में नाला रहता है, गांव एक तरफ और दूसरी तरफ गांव के खेत और पाठशाला। जब बरसात के दिन आते, जो पाठ में आपको दिया गया है उसी के साथ आप अपने शब्दों का प्रयोग करके भी इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हो। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो सात्विक का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको वो लिखकर भेजना है, ठीक है। कल जो हमारी तासिका होगी नेक्स्ट, उसमें आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको लिखकर दिए जाएंगे।